आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम देंगे सेशन 2022 तेईस में एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही सीयूसेट को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अभी जो है फाइनली कुछ दिन पहले ही डी यू और जे एन यू ने फाइनलाइज कर दिया है कि सेशन 2022 तेईस में एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सीयूसेट के थ्रू इन्होंने ऑलरेडी प्रेस रिलीज करके कहा ताकि स्टूडेंट जो है कन्फर्म भी हो गए कि हाँ भाई अब ज़्यादा चांस है कि डी यू और जे एन यू में सीयूसेट के थ्रू होगा। लेकिन जामे के लिए क्या खबर है ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और ये बराबर पूछते रहते हैं। तो अब हम आते हैं आपके पॉइंट पर। हालांकि इस आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही बताया है कि अलग अलग वाइस चांसलर से मिलकर उन्होंने बात किया और क्या प्लान चल रहा है आने वाले टाइम को लेकर उन्होंने बताया। जैसे अलग अलग वाइस चांसलर अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हालांकि आप जो आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो बताया उससे बहुत कन्फ्यूजन भी हो गया है स्टूडेंट्स के मन में। कन्फ्यूजन का मतलब ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया साफ कहना चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज है, खासकर सीट्स कैसे दिया जाएगा, काउंसलिंग कैसे होगा उसको लेकर। बट हम आते हैं जामिया पे, जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जामिया का कहना है, अकॉर्डिंग टू जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाइस चांसलर नजमा अख्तर, सीयूसेट विल नॉट इंटायरली बी ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द यूनिवर्सिटी। यानी सीयूसेट जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा जामिया के लिए सीयूसेट, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कुछ ऐसे कोर्स है जो सीयूसेट के तर्ज पे जामिया में हो रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले इनका कहना है कि JMI इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वेल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कम थ्रू JEE Main एंड डेंटल कोर्स आर प्लेस्ड इन वाया नीट। सो वहाँ पे जो जामिया में जो है बीटेक में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो JEE Main के थ्रू है और BDS कोर्स है वहाँ पे जो JEE Neet के थ्रू लेता है एडमिशन वहाँ पे। मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने की जामिया में अलग से जरूरत नहीं पड़ता, बस JEE Main का एग्जाम दीजिए, उसका एप्लीकेशन नंबर लेते हैं, उसी के हिसाब से आपका नाम आता है सेलेक्ट लिस्ट का। खैर आगे ये कह रहे, द न्यू एंट्रेंस विल नॉट बी ए न्यू थिंग फॉर अस। मतलब न्यू एंट्रेंस टेस्ट अभी जो सीयूसेट इनके से अगर होता तो वो हमारे लिए नया नहीं होगा पहले, ये कह रहे हैं। फिर आगे ये भी कह रहा, हाउएवर हालांकि आई डोंट वांट टू इम्पोज इट, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मतलब मैं इसे इम्पोज नहीं करना चाहूँगा। किसको? स्टूडेंट्स पे, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो इसका पार्ट होंगे। तो वो कहना चाह रहे कि मतलब दोनों कहना चाह रहे हैं, एक तो ये कि हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है पहला, दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को इम्पोज नहीं करना चाहते। इससे ये पता चलता है कि जामिया जो है इस साल मतलब इंटरेस्टेड नहीं है सीयूसेट के थ्रू जाने या सीयूसेट में एग्जाम कंडक्ट, मतलब ये कि सीयूसेट में इंटरेस्टेड नहीं है जामिया, इससे यही पता चलता है इस आर्टिकल से। मगर यह है, मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो जामिया का सिलेबस है वही सीयूसेट का भी सिलेबस है, जो सीयूसेट का सिलेबस है वही जामिया का सिलेबस है। तो ऐसे में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी खास टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मैं फिर से कह दूँ सीयूसेट के लास्ट ईयर का जो भी सिलेबस है वही जामिया ऑलरेडी कंडक्ट करा रहा है उसी हिसाब से। तो आप जिस तरीके से जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करते रहिए। और इसके साथ ही मैं एट द एंड में बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बात कर लें तो हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको पैनिक होने की ज़रा से भी जरूरत नहीं, बस अपडेटेड रहिए और जो भी अपडेट्स आते हो आपको लेकर जरूर अपडेट कर जाएगी। इसके साथ ही मैं रिमाइंड कर दूँ एंट्रेंस एग्जाम को लेकर तो मई से जून के बीच में हो सकते हैं, सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल है। तो अब यही मैं कह सकता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही ये भी, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं चाहे वो BA ऑनर्स के लिए हो या और भी कोर्सेज के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है, आप वहां से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें कोर्स का नाम बता दें, जैसे बैचलर के बहुत सारे BA में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक BA और 11th में अगर बात करें तो साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का है, तो डिटेल मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।